हे गाइस इट्स ब्लू पायरेट्स और आज हम रीकैप करेंगे एरो सीजन 2 का। लिया न्यू में ऑलिवर के साथ क्या हुआ उसके वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो पहले उसे देख लेना वरना आपको पता नहीं चलेगा कि डेथस्ट्रोक कौन है और सेरा वापस जिंदा कैसे हुई। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ सीजन 2 का रीकैप शुरू करते हैं। लास्ट सीजन में हमने देखा कि मेलकम ने हाफ ऑफ द ग्लेड्स को तबाह कर दिया। हार का टेस्ट बहुत ही कड़वा था जिससे ऑलिवर फेस नहीं कर पाया और वो वापस लियान यू चला गया। डिगल और फेलिसिटी ने उसे ट्रैक किया और वापस स्टार सिटी में ले आए। तब स्टार सिटी की हालत बहुत ही खराब थे। ऑलिवर की मदर पे केस चल रहा था और उसका ट्रायल कुछ ही टाइम में होने वाला था। इसाबेला जो कंपनी की एक एसोसिएट थी अब वो 51% शेयर्स के साथ कंपनी टेक डाउन करने की फिराक में थी, इसीलिए ऑलिवर को अपने फादर की लेगेसी को भी बचाना था। संभाल रही थी जो अच्छी बात है। ग्लेड्स में अर्थक्वेक से जिनको नुकसान हुआ उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप बना लिया था। सबसे पहले कंपनी तो ऑलिवर ने अपने स्टेपफादर वॉल्टर से हेल्प ली जो एक फेडरल बैंक के सीएफओ है। उन्होंने कंपनी को फंड किया ताकि क्वीन कंसोलिडेटेड बनी रहे। इस टाइम इसका फेस देखने लायक था और अभी ये मोस्ट ऑफ शेयर्स को होल्ड करती है, इसीलिए कंपनी के सभी डिसीजंस में ये अपनी नाक अड़ाएगी। ऑलिवर के एक्स ससुर डिटेक्टिव लैंस अब प्रमोट होकर बन चुके हैं सार्जेंट लैंस। अभी भी ये एरो की हेल्प लेते हैं। अब सब ऑलिवर को एरो बुलाते हैं। पहले उसका नाम द हुड था। अभी भी रॉय हार्पर को विजिलेंटी बनने का कीड़ा है और इसीलिए ऑलिवर ने उसे रिक्रूट किया ताकि ग्लेड्स की सारी इंफॉर्मेशन उसे मिलती रहे। ग्लेड्स ने अपना लीडर चुन लिया था जो मेयर कैंपेन भी रन करेगा, यह है सेबेस्टियन ब्लड। ऑलिवर इसे सपोर्ट करता है ताकि सिटी के लिए कुछ अच्छा किया जा सके। लॉरा लैंस अब पहले की तरह एरो को सपोर्ट नहीं करती, इसीलिए उसने एरो को पकड़ने के लिए एक ट्रैप भी लगाया था, बट एट ए टाइम ब्लैक कैनरी आके उसे बचा लेती है। ब्लैक कैनरी और कोई नहीं सैरा थी। लिया न्यू सरवाइव करने के बाद उसने लीग ऑफ असासिन ज्वाइन की, उनके पास ट्रेनिंग ली और अब वो स्टार सिटी वापस आ चुकी है। ऑलिवर और सैरा की मुलाकात होती है और फिर वो दोनों बात कर रहे थे कि अचानक मेलकम मर्लिन की तरह ड्रेस किया हुआ कोई ऑलिवर पे अटैक करता है। एक्चुअली ऑलिवर को लीग के बारे में कुछ नहीं पता। सैरा लीग से भाग कर आई है इसीलिए वो उसे मारना चाहते हैं, बट शी इज बेस्ट। लीग उसकी फैमिली पे अटैक करेगा इसीलिए सैरा अपने फादर से मिलती है। तब जॉन डिगल को आर्गस किडनैप कर लेता है और आर्गस शील्ड जैसी एक एजेंसी है पर वो मार्वल में है और ये डीसी में है। आर्गस चीफ अमांडा वॉलर ने लायला को एक मिशन दिया था जिसमें उसे डेथशॉट को पकड़ के लाना था, पर उसका मिशन कॉम्प्रोमाइज हुआ और अब वो रशियन जेल गूगलॉग में सड़ रही है। अब आर्गस ये काम डिगल को देती है। ऑलिवर उसकी हेल्प के लिए साथ जाता है और जाने के लिए ऑलिवर बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाता है, तो ऑफकोर्स इजाबेला भी उसके साथ आती है। ऑलिवर एनाटोली से मिलता है जो रशियन माफिया में कोवार है। ये बहुत ही बड़ी पोस्ट है। ऑलिवर भी एक साल पहले रशियन माफिया ब्रातवा में था। ये दोनों एक दूसरे को इसीलिए जानते हैं। लायला और डेथशॉट को गूगलॉग में रखा जाता है, इसीलिए टीम सबसे पहले डिगल को जेल में भेजती है और डिगल उन दोनों को रेस्क्यू करके बाहर आता है। अब डेथशॉट को जब डिगल छोड़ता है तब डेथशॉट उसे बताता है कि उसके भाई एंडी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट हाइव ने दिया था। ये एक डीसी बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है। मोयरा केस जीत जाती है क्यों वो मैं बाद में बताऊंगा। वापस जाने के टाइम अचानक मोयरा के ड्राइवर को कोई शूट कर देता है और गेस व्हाट, मेलकम मर्लिन इज बैक। मेलकम ने ही जूरी को मारने की धमकी दी थी इसीलिए सबने मोयरा साइड ली। मेलकम मर्लिन एक डीएनए टेस्ट करवाता है जिससे उसे पता चलता है कि वो थिया का बायोलॉजिकल फादर है और वो चाहता है कि उसकी बेटी को ये पता चले। पर मोयरा ज्यादा स्मार्ट है, वो मेलकम मर्लिन को लीग ऑफ असासिन्स की धमकी देती है और मेलकम मर्लिन की लीग से फटती है और इसीलिए वो मोयरा और थिया से दूर रहता है। अब स्टार सिटी में क्रिमिनल्स पे कोई मेरकुरू टेस्ट कर रहा है और ये वही सीरम है जिसने डेथ स्ट्रोक को बनाया है। ये टेस्ट करने वाला बंदा और कोई नहीं सेबेस्टियन ब्लड है। मेरकुरू टेस्टेड बंदा जो मुझे फ्लाइंग जाट मूवी का विलन लग रहा है। इसने ऑलिवर की अप्लाइड साइंस डिवीजन में अटैक किया और इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंट्रल सिटी से बैरी एलन विजिट पे आते हैं। इसके पास तब कोई पावर्स नहीं थी। अब बैरी को कोई ऑर्डर्स नहीं मिले थे, वो अपने लिए आया था ताकि वो ऐसे सुपर क्रिमिनल केसेस को हंट कर सके और अपने फादर को जेल से निकाल सके। ऑलिवर को पता चल जाता है पर वो उसकी कंडीशन देख के उसे हेल्प करने देते हैं। एक सुपर सोल्जर ने जब ऑलिवर पे अटैक किया तो उसने एक यूनिक टाइप के पॉइजन से उसे इन्फेक्टेड किया था। ऑलिवर कुछ टाइम में मरने वाला था पर बैरी ने उसकी जान बचा ली। पर ऑलिवर को अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ी। कुछ टाइम बाद बैरी को पावर्स मिलती हैं और फ्लैश के ऑलरेडी 5 सीजन हैं तो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अब स्टोरी में ब्लड अकेला काम नहीं कर रहा है। इस मेरकुरू को प्रोवाइड करने वाला मेन विलन डेथ स्ट्रोक है जिसके बारे में अगर आपको जानना है तो उसके वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। पहले दोस्त था, फिर लड़ाई हो गई, फिर दोस्त बन गए, तो चेकआउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन गाइज। अब रॉय ग्लेड्स में सीक्रेट एजेंट बनके घूम रहा है।
पर वो पकड़ा जाता है। तब स्लेड उसे मरकुरु से इन्फेक्टेड कर देता है, जिसके बाद उसमें सुपर पावर्स आ जाती है। अब वो विजिलेंटी बन सकता है, पर मरकुरु के कारण उसमें बहुत ही एग्रेशन आ जाता है और फिर वो एक क्रिमिनल को मार देता है, जिसके बाद ओलिवर अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी उसे बताता है और फिर उसे ट्रेन करता है। ओलिवर अचानक सारा को इनसे मिलते हुए देखता है, जो है निसा अल गुल, डॉटर ऑफ द डीमन, जिसका मतलब रेश अल गुल की बेटी। सारा और निसा, हाँ, वो दोनों रिलेशनशिप में है और निसा सारा को वापस लीग ले जाना चाहती है। सारा ने जाने से मना कर दिया, इसीलिए निसा ने सारा की मॉम को किडनैप कर लिया। सारा ने सरेंडर किया, पर उसने उससे पहले जहर खा लिया, जिसके बाद ओलिवर ने उसकी जान बचाई। निसा को लगा कि वो मर जाएगी पर वापस लीग नहीं आएगी, और वो उससे लव भी करती है, इसलिए उसने कहा कि वो रेश अल गुल को मना लेगी। पर पुलिस आती है और सबको पता चल जाता है कि सारा जिंदा है, और इसीलिए लॉरा उससे बहुत ही गुस्सा हो जाती है। स्लेड विल्सन एके डेथ स्ट्रोक ओलिवर के घर आता है और सिचुएशन बहुत ही टेंस बनती है, पर वो सिर्फ वार्निंग देके चला जाता है। अब अंदर की बात बताऊं तो वो ओलिवर के घर कैमरे लगाने आया था। मोयरा ने मेयर कैंपेन स्टार्ट किया, ओलिवर और वॉल्टर ने उसे सपोर्ट दिया। कुछ टाइम बाद फेलिसिटी ने पता लगाया कि थिया के फादर मेलकम मर्लिन है, जो ओलिवर के लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी। मेयर डिबेट चल रही थी, अचानक स्क्रीन पे थिया को दिखाया जाता है। स्लेड ने थिया को किडनैप कर लिया था। ओलिवर कंपनी और सिस्टर दोनों को संभालना था, इसीलिए ओलिवर ने इसाबेला को कंपनी का टेम्पररी सीईओ बना दिया। इसाबेला ने बड़ी चालाकी से शेयर्स को डिवैल्यूएट करवाया और कंपनी की परमानेंट सीईओ बन गई। फिर जाके पता चला कि इसाबेला स्लेड के लिए काम करती है। स्लेड ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई। मेलकम मर्लिन उसके बायोलॉजिकल फादर है, ये बात थिया को बताकर स्लेड ने उसे छोड़ दिया, जिससे फैमिली ड्रामा शुरू हुआ। उसने लॉरा को भी ये बता दिया कि ग्रीन एरो और कोई नहीं पर ओलिवर क्वीन है, ताकि उन दोनों के बीच में भी सिचुएशन टाइट हो जाए। स्लेड को सोल्जर्स चाहिए थे, इसीलिए उसने एक प्रिजन वैन पे अटैक किया और पूरी की पूरी वैन के प्रिजनर्स को मरकुरु देने का प्लान बनाया, ताकि वो आर्मी बना सके। पर ये होता है इससे पहले ओलिवर ने स्लेड का पूरा मरकुरु स्टॉक उड़ा दिया। अब मरकुरु के लिए स्लेड ने रॉय को किडनैप किया, पर उसके ब्लड से वो सोल्जर्स तैयार करे, इससे पहले ओलिवर ने उसे बचा लिया। अब रॉय मरकुरु से हैविली इन्फेक्टेड हो जाता है और वो लोगों को मारना शुरू कर देता है, पर सारा सिचुएशन को संभाल लेती है। फैमिली ड्रामा वापस नॉर्मल होने लगता है, तब स्लेड ने ओलिवर, उसकी मॉम और थिया को किडनैप किया और वही चॉइस दी जो 6 साल पहले एंथनी ने उसको सारा और शैडो के बीच में दी थी। इस बार मोयरा और थिया के बीच में चॉइस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, पर मोयरा ने सब अपने ऊपर लिया और स्लेड ने मोयरा को मार दिया। फ्यूनरल के बाद ओलिवर ने थिया को सिटी छोड़ने को कहा और ब्लड ने अपनी आर्मी रेडी कर ली, जो स्टार सिटी पे अटैक करने वाली थी। थिया जब सिटी छोड़ने वाली थी, तब उस पर अटैक हुआ और मेलकम मर्लिन ने उसकी लाइफ बचाई। थिया को अपने मरे हुए फादर वापस मिल गए। फेलिसिटी ने सिस्को और केटलिन की हेल्प से मरकुरु का एंटीडोट बनाया और वो एंटीडोट स्टार सिटी भेजा, पर स्लेड की टीम ने एंटीडोट चुरा लिया और ब्लड को दे दिया। ब्लड भले ही विलन्स की साइड था, पर ये सिटी उसका था, जो वो टूटते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने एंटीडोट ओलिवर को दे दिया। एट द एंड इसाबेला ने ब्लड को मार दिया। रॉय पे सिरम टेस्ट किया गया, जो सक्सेसफुली वर्क कर गया। अब उनको एक सुपर सोल्जर आर्मी से फाइट करनी थी, फोर्स कम थी, इसीलिए ओलिवर ने लीग ऑफ असासिन्स की हेल्प मांगी। निसा ने लीग की तरफ से एक शर्त रखी कि अगर ये सब खत्म हो जाता है तो वो सारा को वापस ले जाएंगे, और सारा ने ये शर्त मान ली। दूसरी साइड आर्गस अपनी फोर्स भेजती है, पर सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं, इसलिए अमांडा सिटी पे ड्रोन स्ट्राइक करवाने वाली होती है। ओलिवर उसे मना कर देता है, क्योंकि ओलिवर जानता है कि अगर ड्रोन स्ट्राइक हुई तो इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। अब ओलिवर फेलिसिटी को अपने घर बुलाता है और कहता है कि वो उससे लव करता है, और अगर स्लेड को ये पता चला तो वो तुम्हें भी हर्ट करेगा, इसीलिए तुम यहीं पे रहो और यहीं पे तुम सेफ हो। स्लेड को ये पता चल जाता है, क्योंकि उसने पूरे घर में कैमरा लगवाए हैं। वो फेलिसिटी को किडनैप करता है, और एक बात और, ओलिवर को पता था कि उसके घर में कैमरे हैं, इसीलिए ओलिवर ने पहले से ही फेलिसिटी को एंटीडोट दिया था। जब फेलिसिटी को मौका मिलता है, तब वो सीधा स्लेड पे अटैक कर देती है। अब स्लेड मरकुरु फ्री हो चुका है, इसीलिए वो दोनों फाइट करते हैं और ओलिवर जीत जाता है, और वो उसे लियान यू में आर्गस की बेस्ट प्रिजन में डाल देता है। मेलकम थिया को अपने साथ आने को कहता है और थिया मना कर देती है, पर जब उसे पता चलता है कि रॉय भी एरो के साथ काम कर रहा है, इसीलिए वो मेलकम के साथ जाती है और सीजन 2 कंप्लीट होता है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि एरो सीजन 2 में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू गाइस, कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।